हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। तो देखिए, अपनी मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज का पेपर होने वाला है। तो ये देखिए, ये ओल्ड पेपर है जो कि 2016 का है और ये जिला स्तरीय यानी कि जिला का पेपर है जो कि छतरपुर ज़िले का है। तो ये पेपर भी 2 घंटे का होता है और पूर्णांक भी इसमें अपने 100 होते हैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। इसमें भी 3 लोग एक साथ बैठकर इस पेपर को देते हैं और किसी भी कक्षा के हो सकते हैं, कौन सी भी कक्षा 9 से लेके 12 तक कोई भी कक्षा का विद्यार्थी इस पेपर को दे सकता है, ठीक है ना। तो ये ओल्ड पेपर है, तो मैं आपको ऐसा पेपर इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको इस पेपर को देख कर थोड़ा मालूम चल जाए कि MP टूरिज्म को इसका पेपर कैसे आता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का पेपर है ये, ठीक है ना। तो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के पेपर को अपन इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रथम भाग, इसमें 2 भाग होते हैं, आपके ज़िले एवं आसपास पर आधारित प्रश्न होंगे प्रथम भाग में, और द्वितीय भाग में स्टेट लेवल के क्वेश्चन होंगे यानी कि मध्य प्रदेश लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए अपन प्रथम भाग को हल कर लेते हैं, जिसमें खंड दिए गए हैं, खंडा बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न में आपको 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर छाँट कर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, आलीपुरा में। तो ये अपने छतरपुर ज़िले की थोड़ी आसपास की जानकारी दी गई, कहाँ, आलीपुरा में। सवाई सिंह का समाधि स्थल है सहानिया में। छत्रसाल का समाधि स्थल किस स्थान पर है, धुवेला में। धुवेला में तो सभी को जानता है कि छत्रसाल की समाधि स्थल है। पुतलियों की दाता के शैलचित्र कहाँ पाए जाते हैं, देवरा में। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस ज़िले में स्थित है, छतरपुर ज़िले में। अपन छतरपुर ज़िले हैं तो छतरपुर से ज़्यादा तो क्वेश्चन संबंधित होंगे। और देखिए, खंडवा दिया गया है इसी में, जो कि अपने ज़िले से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था, ये सही है। खजुराहो की शिल्पी अपनी वंश परंपरा का आरंभ चंद्रमा से मानते हैं, सही है। महाराणा प्रताप की छवि महोबा में स्थित है, गलत है। प्रसिद्ध पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कैन नदी के किनारे स्थित फैला हुआ, ये सही है। खजुराहो मंदिर 4 समूह में बांटे गए हैं, ये वाला अपना गलत हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। देखिए, यहीं पर खंड शाह हो गया, जिसमें सही जोड़ी दी गई है। सही जोड़ी जैसे किशनगढ़, यहाँ पर देखिए कलर भी चेंज किया है मैंने, जहाँ पर क्रॉसिंग हुई है किशनगढ़ गढ़ी बिजावर से, ऐसे अपन सही जोड़ी इनको मिला देंगे, ठीक है ना। पार्थ मंदिर ऐसे ऐसे अपन करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए, इसमें एक वाक्य में है जो कि दा है। तो एक वाक्य में जैसे कि शांतिनाथ देव मंदिर कहाँ स्थित है, उर्दमाऊ में। खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर किस स्थान में निर्मित है, किस पत्थर से निर्मित है, ग्रेनाइट से। खजुराहो भ्रमण के लिए अनुकूलित मौसम है, जुलाई से मार्च। कदरिया महादेव मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 31 मीटर। नौगांव में कौन सा मंदिर स्थित है, शिव योगिनी मंदिर स्थित है। अब इसके बाद देखिए, खालिस्तान दिए जाते हैं अपन को, जैसा स्टेट लेवल में होता था वैसे ही यहाँ पर दिया गया है, जो कि अपन को इसमें खालिस्तान दिए गए हैं, इनमें से छाँट कर आपको यहाँ पर भरने हैं। जैसे छतरपुर ज़िले का नामकरण किसके नाम पर होगा, छत्रसाल के नाम पर। ब्रह्मा की त्रिमूर्ति है, मंदिर कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर विश्वनाथ। ज़िले में प्रमुख नदी कौन सी है, कैन नदी है। अंग्रेजों के मध्यस्थ एजेंसी पूर्वभूत है, छतरपुर की रियासत। छतरपुर जिले का प्रसिद्ध तालाब है राव सागर, ठीक है ना। आगे चलेंगे। अब यहाँ से देखिए, द्वितीय भाग, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, यानी कि अपने मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलेगी। इसमें भी कोई ऐसे ही खंड होंगे जो कि आ बा सा जो अपन ने पहले देखे, पर इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। इसमें एक खंड में 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर से अपन सॉल्व करेंगे। जैसे कि तानसेन का मकरवा कहाँ स्थित है, ग्वालियर। भगवान बुद्ध के अनुयायी सरीसाई महोगोपाल की अस्थियाँ किस स्थान पर है, सांची। हिडोला महल कहाँ स्थित है, मांडू। तो देखिए, अपन को ओल्ड पेपर पढ़ने से एक फ़ायदा होती है, क्योंकि आप किसी भी नए पेपर को उठा लीजिए और उससे पुराने पेपर से मिलाइए, तो उसमें से कई क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिल जाते हैं, और कई क्वेश्चन घुमा के भी दिए होते हैं तो वो भी आप पे बन जाते हैं। तो एक फ़ायदा अपन को मिल जाता है। भगोरिया उत्सव किस क्षेत्र में विशेष रूप से मनाया जाता है, निवाड़। बेजू बाबरा की जन्मस्थली कहाँ है, चंदेरी। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताएं जहाँ नर्मदा सोन जुहिली नदी का उद्गम हो, अमरकंटक। मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं किस स्थान में, पंचमढ़ी में। आगे चलेंगे। वीरांगना द्रौपदी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, दमोह में। नोबेल पुरस्कार विजेता रूडयार्ड किपलिंग की कृति जंगल बुक किस राष्ट्रीय उद्यान की भूमि है, पैंच।
कपिलधारा जल प्रताप स्थित अमरकंटक से मंगल ग्रह को समर्पित मंगलनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन में। खजुराहो की मंदिर किस राजवंश ने बनवाया? चंदेल ने। देवी जोगेश्वरी मेलों का आयोजन कहाँ होता है? चंदेरी में। तो इस तरह अपन इन क्वेश्चंस को हल करेंगे और इनको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है यही के यही क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि जो मंदिर जहाँ है वो तो वहीं पर रहेगा, जो स्थान जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा, वो तो बदलने वाला नहीं है, तो इसलिए आपके क्वेश्चन भी नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। प्राकृतिक पर्यटन स्थल मुंबई किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? सतपुड़ा। ये बदलने वाले क्वेश्चन तो है नहीं कि हर साल बदल जाए। डॉक्टर विष्णु श्रीधर माणकर सम्मान किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर दिया जाता है? पुरातत्व। ये भी देखिए, एक कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। आगे चलिए, देखिए खंडवा इसमें आ गया, जो कि सही और गलत दिखाना है, जैसे कि इसमें भी 15 हो गए। बैरथानी की गुफाएं विदिशा में स्थित है? गलत हो गया। इसके गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में स्थित है? सही। जितने में मैंने निशान नहीं लगाया है वे सारे के सारे सही हैं, और जिसमें मैंने गलत का निशान लगाया है वो गलत है, ठीक है ना। तो ऐसे अपन इनको पढ़ लेंगे। जैसे ओरछा मध्य प्रदेश पर्यटक विकास हेरिटेज होटल शीश महल है, ये सही है, और जिसमें मैंने रॉन्ग लगा है वो तो रॉन्ग है ही। इसके बाद देखिए खंड शाह, प्रश्नों को दो खंड दिए गए हैं, जैसे प्रथम खंड रानी रूपमती कहाँ से संबंधित है? मांडू। रानी मृगनयनी ग्वालियर। रानी मुमताज बुरहानपुर। रानी दुर्गावती जबलपुर। रानी अहिल्याबाई इंदौर, ठीक है ना। इस तरह से अपन इनको सॉल्व कर लेंगे। द्वितीय खंड दिया गया है, तृतीय खंड दिया गया है, जैसे कौन सा होटल कहाँ पर है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि कभी नहीं बदल लेंगे इन फ्यूचर। आप देख लो, जो मध्य प्रदेश पर्यटन में आपको घुमाया जाएगा, क्योंकि वहीं पर वो चीज़ रहेगी। जैसे मान के चलो आपसे पूछा जाए कि भोजपुर टेम्पल कहाँ है, तो भोजपुर टेम्पल भोपाल ही में होगा, वो तो बदलने वाला नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, होटल ग्लेनव्यू यहाँ कहाँ पर है? पंचमढ़ी में। होटल तानसेन एक कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो देखिए ये तो वहीं पर रहेंगे ना, इसलिए इस पेपर आपको पढ़ना जरूरी है। अब ऐसे ही देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर, लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? भोपाल। तानसेन संगीत समारोह मनाया जाता है? ग्वालियर। अलाउद्दीन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? मेहर। मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंदौर। जल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? हनुमंतिया। शहाउद्दीन ओलिया उर्स कहाँ आयोजित किया? नीचम। महामृत्युंजय मेले का आयोजन कहाँ? और रीवा। रीवा के पास पाए जाने वाले बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित हैं? देवकोठार, ठीक है ना। तो कुछ प्रणाली संप्रदाय प्रसिद्ध प्रमुख तीर्थस्थल महाप्रणाय का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओंकारेश्वर के पास। सैलानी ये हो गया, निवाड़ी उत्सव ये हो गया, केरला सुहानी। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने। अब देखिए जो कि ये लास्ट में भी आपको सही विकल्प दिए होंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पर सही विकल्प भरे नहीं हैं, इसकी PDF फाइल भी आपको मिल गई होगी, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई हुई है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसने नहीं डाउनलोड की है उसको इस सॉल्यूशन वाली PDF फाइल भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरे इंस्टा पे, जो कि मेरा नाम है इंस्टा पे, आईडी है जितेंद्र 0606। आप चाहें तो मेरे ब्लॉग चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर मेरा ब्लॉग चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।